हेलो एवरीवन, आई एम नेहा यादव फ्रॉम आदर्श शिशु निकेतन हाई स्कूल। दिस इज चैप्टर फर्स्ट, द फन दे हैड। ये आपकी रिवीजन क्लास है और पहले भी मैं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से रीड करा चुकी हूँ। बिहेव में चैप्टर है आपका, और इस चैप्टर में हमने बताया था कि किस तरीके से फ्यूचर में जब 2050 हो जाएगा तो वहाँ के जो बच्चे होंगे, 2050 वाली जो जनरेशन होगी, वो सब चीज़ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करेगी, टेक्नोलॉजिकल तरीके से करेगी। तो उनको हमारी तरह ये जो प्रिंटेड बुक्स हैं ये नहीं मिलेंगी, उनको हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक वे में मिलेगी। तो वो किस तरीके से पढ़ाई करेंगे? कंप्यूटर से पढ़ाई करेंगे। उन्होंने स्कूल कभी देखा भी नहीं होगा, स्कूल जाने की उनको ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर से पढ़ेंगे। और एक मैकेनिकल टीचर जो होगा उनको पढ़ाने के लिए आएगा, रोबोट की तरह, या फिर उनको क्लास में जिस तरीके से हम आजकल आपको ऑनलाइन तरीके से पढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से तब पढ़ाई जो होगी वो हर पूरे तरीके से ऑनलाइन होगी। तो एक बारी टॉमी होता है इस चैप्टर में, टॉमी है और मार्गी है, दो बच्चे हैं। उनको एक बुक मिलती है, एक रियल बुक, प्रिंटेड जो बुक होती है वो मिलती है जिस तरीके से हम पढ़ते हैं अब। तो फ्यूचर में उनको एक बुक मिलेगी, तो उन्होंने ऐसी बुक कभी देखी नहीं होगी। उनके परदादा दादा वगैरह जो होंगे वो उनको बताते थे कि हमारे ज़माने में ऐसे पढ़ाई होती थी कि हम स्कूल जाते थे, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर पढ़ते थे और एक अलग बिल्डिंग होती थी, अलग अलग टीचर्स आकर हमको पढ़ाते थे। तो वो सोचते हैं कि ये किस तरीके का फन रहा होगा। अब वो जो हैं, अब वो जो बच्चे हैं वो अकेले कमरे में अकेले बैठ के एक दो घंटे क्लास पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं, सबमिट कराते हैं और फिर ख़त्म हो जाता है। उनका स्कूल नहीं होता, कोई नहीं, बस ऐसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो वो सोचते हैं कि जब हम बहुत सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे बैठ के पढ़ते होंगे, कितना मज़ा वो उन लोगों ने किया होगा, कितने मज़े आते होंगे उनके पढ़ने में। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी रखा गया द फन दे हैड, उन्होंने जो फन किया होगा। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द स्टोरी इज सेट इन फ्यूचर व्हेन द बुक्स एंड द स्कूल्स आर हैव नाउ, पेरप्स विल नॉट एग्जिस्ट। ये जो कहानी, ये फ्यूचर के बारे में लिखी गई है, भविष्यकाल में की गई है, जो शायद आज की तरह स्कूल और पुस्तकें जब वहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करेंगी, होंगी ही नहीं, ना स्कूल होगा ना किताबें होंगी। टू स्टूडेंट्स ऑफ दैट पीरियड अबाउट 150 ईयर्स एडवांस फ्रॉम द टुडे, 150 साल के बाद की जो घटना है, मतलब कि काफ़ी सालों के बाद की ये जो घटना होगी, एडवांस फ्रॉम टुडे, हैव फाइंड अ प्रिंटेड बुक, उनको एक छपी हुई किताब मिलेगी, पुस्तक को देखेंगे, देन दे सरप्राइज वेरी मच, और बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। दे टॉक अबाउट द स्कूल्स एंड बुक्स ऑफ द ओल्ड पीरियड, वो ओल्ड पीरियड जो हमारा ज़माना है उसके बारे में बात करेंगे, और जो स्कूल्स होंगे उनके बारे में बात करेंगे, किस तरीके की किताब होती थी। दे कंपेयर दो स्कूल्स विद दोज दे ओन, और अपने स्कूल से उन स्कूलों को, अब वाले जो स्कूल है जैसे कि हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, उनसे कंपेयर करेंगे, और विच आर सिचुएटेड इन देयर होम्स एंड हैव द मैकेनिकल टीचर्स टू टीच देम, और उनके जो स्कूल है वो कहाँ सिचुएटेड है, उनके घर के अंदर ही, उनके बेडरूम के बराबर में उनका स्टडी रूम होता है, जिसके अंदर ही वो स्कूल मान लिया जाता है उनका, क्योंकि वो वहीं पर बैठ के पढ़ाई करते हैं और उनके मैकेनिकल टीचर्स उनको पढ़ाते हैं आके। दे फाइंड देयर ओन स्कूल्स डल एंड बोरिंग, उनको अपने स्कूल बहुत ज़्यादा डल एंड बोरिंग लगते हैं। दे थिंक दैट इट वॉज अ ग्रेट फन टू स्टडी इन द स्कूल्स ऑफ द ओल्ड टाइम व्हेन ऑल द किड्स ऑफ द एरिया वेंट देयर टू लर्न द सेम थिंग बाय अ मैन टीचर, और उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फन लगती है कि सारे बच्चे एक जगह पे इकट्ठे होकर किस तरीके से पढ़ते थे और एक ही चीज़ एक ही टाइम पे सब सीखते थे एक ही टीचर के साथ, एक ही टीचर से। तो ये सारी चीज़ें वो सोचकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, अच्छा भी लगता है उनको, और सोचते हैं कि कितना उन्होंने मज़ा किया होगा, फ़न किया होगा। और अब जो चीज़ें हैं उनकी, मैकेनिकल टीचर और इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाई, कंप्यूटर के सामने बैठ के पढ़ते रहना, ये सब चीज़ें क्या हैं, डल एंड बोरिंग हैं, क्योंकि ना हम किसी से इंटरेक्ट कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो ये चैप्टर इसी बारे में था। आई होप आप लोगों को समझ आया गया होगा, और ये रिवीजन क्लास थी, और बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए आप पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास, हैव अ गुड डे।